एक सफ़र और दोस्तों, आज मैं आपको ग्राम नेथला लेके चलूँगा जो जिला बागपत में है। मैं बागपत पहुँच गया हूँ और ये लेफ्ट के लिए मैं मुड़ गया ग्राम नेथला के लिए। बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही सुहाना है और हरे भरे खेत आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। बहुत ही आनंद आ रहा है सफ़र का। और ये ग्राम नेथला के अंदर मैं आ गया हूँ। ये आपको एक गांव की झलक दिखा दूँगा एक बार, पूरा गांव आप देख लीजिए। ये बागपत जिला राज्य उत्तर प्रदेश का गांव नेथला है। और यहाँ मैं आपको इस गांव के बारे में बताऊँगा, इस गांव के स्कूल और प्राचीन मंदिर भी दिखाऊँगा। और ये इस गाँव जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर कुछ बुजुर्गों के विचार भी आपको सुनने को मिलेंगे और यहाँ के जो युवा वो क्या कहते हैं गांव के बारे में, वो भी आपको मैं सुनवाऊंगा और एक गांव की सोच आपको पता चलेगी और इस गांव के बारे में आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरा चैनल एक सफ़र और। देखिए गांव एकदम शांत पहुंच गया हूं। अभी देखिए यहां ताला वाले की कोई ज़रूरत नहीं होती गांव में, क्योंकि सभी लोग मिलजुल के सभ्यता के साथ रहते हैं और किसी चोरी चकारी का यहां कोई इतना डर भय नहीं होता, क्योंकि सभी लोग मिलजुल के रहने वाले होते हैं। तो ये मैं अभी सबको बुलाऊँगा, चलो फ़ोन करके अभी थोड़ा बुला लेता हूँ सबको, फिर मैं आपको विचार सुनाऊँगा सभी के गाँव के बारे में और पूरे गांव को मैं आपको दिखाऊंगा। चाचा जी बताएंगे कि इस गांव के बारे में कि गांव कितना पुराना है और गांव के सभी ऐतिहासिक बातों के बारे में। चाचा जी बताइए। हमारा गांव जी बागपत, जिला बागपत से 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है यमुना के किनारे और जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे गाँव का पुराना नाम कभी जीरागढ़ शहर था, उसके बाद वो 2000 वर्ष तक उजड़ हो गया था। उसके बाद यहाँ करीबन संवत 400 कुछ में यहाँ एक पंडित आया बाहर से, उसका नाम था हरिदास। उसने ये गांव बसाया। बसने के बाद उसके 4 लड़के हुए जी। उन 4 लड़कों से आज हमारी 4 पट्टी त्यागी बाहुल की बनी हुई है। हमारा सारा परिवार एक है पूरे गांव का, जो कि हम कोदंड गोत से जाने जाते हैं। पूरा गांव त्यागियों का है। तो चाचा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आपके गांव का रकबा कितना है और ये कितना बड़ा गांव है और इसमें क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या क्या है। रकबा जी इस गाँव का 52,000 बीघे रकबा था। यहाँ पर जमींदारी प्रथा थी। चौधरी चरण सिंह ने 1951 में जब जमींदारा खात्मा किया तो हमारी ज़मीन पड़ोस के गांव वालों के नीचे दब गई। वे उस ज़मीन को बोते थे। हमारे गांव के की आबादी थोड़ी थी, ज़मीन हमारे पे बोई नहीं जाती थी, तो वे उस ज़मीन को ठेके पर लेकर बोते थे, जो कि उगाई पर लेकर बोते हैं लोग बाग। तो वो ज़मीन चौधरी चरण सिंह ने जमींदारा खात्मा कर दिया 1951 में। जो ज़मीन जिसके नीचे है वो उसी की होगी। तो अब हमारे गांव बंदी हुई थी नहीं, जमींदारी विनाश, उसको जमींदारी विनाश बोलते हैं जी। तो उसके बाद हमारे गांव की चकबंदी हुई है जी 62-63 में। 62-63 में अब हमारा रकबा करीबन 11,000 बीघे करीब है जी। काफी कम हो गया पहले। हाँ जी, 52,000 काफी कम, अब इतना रकबा है। जनसंख्या कितनी होगी करीब? 4,500 की आबादी का गांव है करीबन। तो आपने ये यमुना नदी जो पास में है तो ये पहले आपने देखी होगी, तो अब में और पहले में क्या अंतर इसमें? हमारे गांव के पश्चिम में जी यमुना नदी बह रही है। ये हमारे गांव से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर बहती थी पहले,
वो सारा रकबा ही इसने हमारा काट लिया गया। वो सारा रकबा कटकर हरियाणा में पहुंच गया। उस पर बोझ अब हरियाणा वालों की है। तो ये अभी चाचा जी ने सब बताया गांव के बारे में। मैं सचिन त्यागी जी से पूछना चाहूँगा, वो युवा है यहाँ के और वो प्रतिनिधित्व भी करते हैं यहाँ के प्रधान जी का, तो वो कुछ बताएंगे गांव के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सचिन त्यागी है। जैसा अभी बात कर रहे थे आप गांव के क्षेत्रफल और गांव के रकबे के बारे में, तो बाबा जी ने इतिहास के साथ साथ में उसकी दो मुख्य पॉइंट पे बात की थी कि एक तो जो जमींदारी प्रथा 1951 में चौधरी चरण सिंह द्वारा लागू की गई थी, ख़त्म की गई थी। दूसरा फिर जो हमारे यहाँ यमुना की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से हमारे गांव का रकबा जो है घटा है। तो फिलहाल हमारे गांव में जो दो मुख्य बातें जमीन रकबा घटने की हैं, एक तो मौजूदा यमुना की स्थिति और दूसरा जमींदारों पर था। तीसरी चीज़ का जो शायद बाबा जी ने जिक्र नहीं किया वो ये है कि समय के साथ साथ हमारे गांव के लोगों के बौद्धिक विकास में कमी आई है। तो काम करने की इच्छा में कमी, बिना करे कुछ ज़्यादा पा लेने की इच्छा से गांव की आमदनी में कमी आने की वजह से रकबा भी हमारे गांव का कम हुआ है, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा फिर अगर हम गांव के इतिहास की बात करें तो हमारे गांव का इतिहास वास्तव में बहुत उज्ज्वल रहा है। 52,000 बीघा रकबा था जिसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा भूमि जो थी उपजाऊ भूमि थी। तो लोग जो थे एक ग्रोइंग फेज में थे, बढ़ती जो गांव का आर्थिक विकास था वो बहुत तेज गति से हो रहा था। लेकिन फिर पता नहीं कुछ ऐसा समय आया कि अभी फिलहाल की स्थिति में युवा जो हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं है। फिलहाल की स्थिति यही है। अगर स्थिति यहीं बदल जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लोग जागरूक हो जाए, जैसा आपने बताया कि आप स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरित करते हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति प्रेरित कर पाए तो हमारा गांव दोबारा वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा जिस स्थिति की हमारे बाबा जी बात कर रहे थे। धन्यवाद। अभी इस गांव की और विशेषताएं कुछ बताएंगे आपको? यहाँ जी हमारे गांव का जो पुराना खेड़ा है जी, उस पर एक मंदिर है, वो बहुत ही पुराना है। हमारे जो बड़े बूढ़े उसको ऐतिहासिक बताते थे, जब गांव हमारा कभी जीरागढ़ था, ये मंदिर उस समय का है। तो टिल्ले पर मंदिर है, वो जो हमारा पुराना खेड़ा था वही था। उसके बाद हमारी ही सीमा में एक गुफा मंदिर है जो गांव से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वो हमारे ही नक्शे के अंदर है, हमारे गांव के नक्शे के अंदर ही आता है। उससे 1 फरलांग गांव की तरफ एक पत्थर का भैंसा पड़ा हुआ है जी, पत्थर का। वो जी ऐसा है, कभी वहाँ पर गुफा थी, एक बाबा रहते थे और बाबा की वो समाधि में भैंसा टक्कर मारता था, ऐसी दंत कथा है पुरानी। तो बाबा जी ने उस पर फटकार लगा दी, वो पत्थर का हो गया। तो गुफा की मान्यता बहुत ज़बरदस्त है, दूर दराज से लोग वहाँ पूजने के लिए उसको आते हैं। तो पत्थर का वो आपने बचपन से वो पत्थर का ही देखा है? हाँ, हमने तो बचपन से पत्थर का ही देखा है। कुछ और बोलना चाहते हैं, गांव की कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं? दरिया हमारे गांव की जो पश्चिम दिशा में जो यमुना नदी बह रही है, उसने हमारा रकबा खद्दर और बांगर का काट लिया है, कई हजार बीघा, और उससे हमारे किसानों के नाम काट दिए गए हैं। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं, सरकार से, अगर हमारे पुनः लगान लगा दिए जाए जिससे कि हम उस पर अपनी बोझोत तो हम कर रहे हैं, पर हमारे उसमें नाम और डाल दिए जाए। जी हैं हमारे बीच में, वो बताएंगे कि वो युवा है, वो चाहते हैं कि गांव में कुछ हमारे ये चीज़ें होनी चाहिए। मेरा सबसे पहले आपको इरफान भाई नमस्कार, जो कि मैं हमारे जो युवा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो कि आज तक ये हमारे गांव में इतने प्रधान हुए, इतने नेता भी आए, इतने सांसद भी, आज तक यहाँ पे कोई स्टेडियम, खेल का मैदान, आज तक यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है। जो हमारे बच्चे
भैया है, बच्चे है, बड़े बुजुर्ग है, बड़े आदमी है, वो उनके लिए कहीं टहलने का, बच्चों के लिए रेसिंग करने का कोई आज तक सुविधा नहीं है इस गांव के अंदर। अच्छा, आप तो चाहते कि कोई यहाँ पे खेल परिसर बने? जी बिल्कुल। आज तक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है, जो हमारा गांव इस पिछली तरफ गया है, तो सबसे बड़ी तो यही दुर्भाग्य की बात है, बस मैं यही कहना। दोस्तों सुबह हो गई है, कल मैंने आपको गांव दिखाया था थोड़ा, और आपकी बात भी कराई थी गांव के बारे में, आपको इतिहास के बारे में जानने को मिला। तो चलिए मैं ऊपर चल के एक बार ऊपर से आपको एक व्यू दिखाता हूँ। बारिश बंद नहीं हुई है, कल से लगातार बारिश हो रही है, और मौसम और गांव का सौंदर्य अपने चरम पर है। एकदम शुद्ध वायु, ना कोई पॉल्यूशन, चारों तरफ हरियाली, और वो मेरे से कुछ दूरी पे मोर बैठे हैं। तो आज मैं आपको यमुना नदी भी दिखाऊंगा। गांव के किनारे पे यमुना नदी है, और ये गांव का स्कूल है, ये प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल है, ये 8वीं क्लास तक का है। तो ये गांव का एक स्कूल देखिए, प्लेग्राउंड ही गांव का, स्कूल का ये रस्सा लगा हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए, और ये बार डिप्स के लिए बना हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ नदी के किनारे, और नदी के किनारे और ये खेत दिखाते हुए फिर मैं आपको यहाँ के जो पंचायत सदस्य श्री हरिओम त्यागी जी हैं, उन वो आपको बताएंगे कि गांव और शहर में क्या अंतर है, वो थोड़े अपने विचार रखेंगे। तो पहले मैं आपको ये यमुना नदी दिखा दूँ, आपको मैं गुफा वाला मंदिर भी दिखाऊँगा, जिसका रात चाचा जी ने जिक्र किया था, वो गांव से बाहर है थोड़ा, पहले कभी वो गांव में ही हुआ करता था, लेकिन अब किसी और गांव की सरद में है। तो ये यमुना नदी और ये है वो मंदिर गुफा वाला, काफी मान्यता है यहाँ पर, काफी लोग आते हैं दूर दूर से। तो दोस्तों हम ग्राम नेथला में पंचायत सदस्य हैं, ये हरिओम त्यागी जी, तो ये कुछ बताएंगे आपको गांव और शहर के बीच में क्या अंतर है। जैसे मैं जानता हूँ गांव और शहर में अंतर, मेरे चाचा जी शहर में रहते हैं, और भाई ये जो है क्या नाम है कालू भाई, और क्या नाम है संजीव, संजय भैया, ये भी शहर में रहते हैं, लगभग हमारे पूर्व इनके पूर्वज गांव में से थे, और मैं वहाँ पे भी रह कर आया हूँ। जैसे मैं एक साल से यहाँ से ठल्ली हूँ, तो कह रहा मुझे महसूस ही नहीं होता ज़्यादा, तू ठल्ली है, अगर शहर में इतने दिन ठल्ली रह जा आदमी आत्महत्या करके मर जा, हैं, क्योंकि यहाँ भाईचारा बहुत ज़्यादा है, टाइम कट जाता है, जगह जगह नुक्कड़ लगती है शाम के टाइम में, और खेत खलिहानों में घूमने में समय बीत जाता है, वहाँ वो अपने आप प्रदूषण में पूरे दिन टेंशन तो वैसी रहती है, हैं, और क्या है बहुत ही माहौल ख़राब है शहर का, गांव तो अच्छी ताजगी हवा है, हैं, सूर्य कल निकलता हुआ सुबह, ये गांव को ही नसीब होता है, हैं, शहर में ये चीज़ देखने को नहीं मिलने की, आप लोगों को बहुत ही कम मिलेगी, हैं। और स्कूल देखो कितना अच्छा स्कूल है गाँव में है, यहाँ बच्चे तड़के शान गुटबाजी भी करते हैं, तो फिर भी 2 घंटे में प्रेम बन जाता है, हैं, और क्या नाम है माँ बाप समझाते हैं ये तेरा भाई है, इसके साथ मिलकर रह, और जो आपस में भी लड़ते हैं ना वो भी उन्हें भी खून के रिश्ते याद आ जाते हैं, तो दूसरा बाहर का कोई लड़ता है उनसे साथ तो वे अपनी लड़ाई भूल जाते हैं, ये गांव में फ़र्क है, जबकि शहर वाला आदमी थोड़ा किनारा करके चलता है। तो बहुत ही अच्छे विचार दिए अभी हरिओम जी ने, बहुत अच्छा बोला भाई, हाँ ये गांव के अंदर बहुत ही भाईचारा है, और अगर आपके पास चलो कोई काम भी नहीं तो भी अपना हंस बोल के टाइम कट जाता है, क्योंकि यहाँ इतनी ना तो महंगाई की दिक्कत है ना, हाँ थोड़ा डिप्रेशन कम रहता है, और वैसे भी यहाँ मौसम भी इतना अच्छा है, देखे आपको दिखाई दे रहा होगा कितने अच्छे खेत खलिहान और शुद्ध वायु। शहर का थोड़ा मैं एक प्लस पॉइंट मान सकता हूँ, आपको सब लगभग सारी सुविधा आपको शहर में जल्दी सी मिल जाती है, और क्या नाम है गांव में थोड़ी आपस में ही स्वभाव भी रहता है शहर में, जबकि 2-4 गली के 2-4 घर तक ही सीमित रहता है स्वभाव, उसके बाद जानते नहीं आप दूसरे को, ये देखे कि ये गांव में क्या नाम है स्कून का आदमी स्कून के आदमी को जानता हुआ भी थोड़ा हल्का मोटा ये सभी रखता है, और सहयोग की भी बात करता है। तो आपको आपका गाँव नेथला कैसा लगता है? सुलग देखिए क्या मतलब भाव निकल के आए हैं, मतलब जैसे मतलब एक बार रुक गए हरिओम जी, एक बार रुक गए बोलने में,
और कितने एक अंदर से निकल गया कि स्वर्ग है। तो ये फीलिंग किसी शहर वाले में अपने गली के लिए मुश्किल ही आएगी। तो ये गांव का माहौल है जिसकी वजह से बिल्कुल सुधर गया है हमारे लिए और हमारे पूर्वज भी यहाँ पे रहे। बड़ा मन लगता है मेरा आजाने को, जी निकलता है, मैं एक दिन में परेशान हो जाता हूँ बाहर यहाँ पे। जबकि मैं यार खाने का समय अगर 9 बजे रात के 9 बजे खा लेता हूँ, 12 घंटे लेट भी मुझे महसूस नहीं होता कि तूने खाना नहीं खाया। बहुत अच्छे, बहुत। और शहर में मुझे 4 टाइम भी खाने के बाद ये महसूस होता है गांव में भाग ले। भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो हम अब हरिओम त्यागी जी से एक और सवाल करते हैं कि जैसे कि ये पंचायत सदस्य भी हैं यहाँ के, तो ये क्या क्या सुविधाएँ चाहते हैं अपने गाँव में कि गाँव में ये सुविधाएँ होनी चाहिए? जैसा कि मैं आपको सूचित करता हूँ कि हमारे गांव की प्रधान श्रीमती गीता देवी है, जो मेरी याद में और एक जैसे सुनने में भी आया पुराण में, पहले कोई त्यागियों में महिला प्रधान नहीं हुई थी आज तक। ये अंकुश भाई ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही आज तक हुई नहीं। और गांव ने अच्छा सम्मान करा इनका, चुनाव में काफ़ी अच्छी वोटों से जीत कराई है। उपेक्षा भी इनसे सबसे ज़्यादा है गांव को, अब तक इतनी उपेक्षा किसी दूसरे प्रधान से लगाई नहीं थी गांव में। अब देखते हैं किस तरह से अपनी बात पे खड़ी उतरती है। तो आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं, मतलब गांव में क्या क्या सुधार होने चाहिए, गांव में क्या क्या कमी महसूस होती है आपको? हल्का थोड़ा खेलने का एक स्टेडियम वगैरह हो, और क्या नाम है, थोड़ा स्कूलों पर थोड़ा ध्यान केंद्रित हो, और क्या नाम है, स्कूल तो बन रहे हमारे यहाँ पे, बस ये है कि थोड़ा टीचर आ रहे नहीं आ रहे, इनका ये प्रधान के अंडर में आता है क्योंकि, और ये सफाई को लेकर थोड़ा एक जोड़ है हमारे गांव का, उस पर थोड़ा काम हो जाए। तो ये है लाइब्रेरी, मेरी दिल इच्छा है लाइब्रेरी भी बने, दिल चिकित्सा केंद्र, चिकित्सा केंद्र बन जाएगा। उम्मीद है कि इन 5 साल में बहुत कुछ होने वाला है, प्रधान से ही उम्मीद करते हैं अपने। हाँ, और देखते हैं जो भी होगा, क्या नाम है, गांव की उम्मीद तो इतनी ही थी, और 5 साल बाद बता सकते हैं पूर्णतः तो क्या खड़े होता है। जैसे मैं वार्ड मेंबर हूँ अपने वार्ड का, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा काम हो। तो दोस्तों, रात चाचा जी ने जो बताया था कि एक प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही पुराना, 500 साल से भी ज़्यादा पुराना बताते हैं उस मंदिर को। तो मैं अभी आपको वो मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये दोस्तों है वो मंदिर जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है, और ये जो सामने पेड़ आप देख रहे हैं, बरगद का पेड़ 500 साल पुराना है, बहुत मान्यता है इस पेड़ की। ये पीपल का पेड़, चलिए मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ अंदर से। यहाँ पर हनुमान जी शिवलिंग, ये 500 साल पुराना है, 500 साल पुराना। दोस्तों, ये एक और स्कूल है इस गांव का जो मंदिर के पास ही है। तो ये है पूरा गांव नेथला, एक ऐतिहासिक गांव जो यमुना के किनारे बसा है। ये गांव का पूरा बेहद ही खूबसूरत गांव, मैं उम्मीद करूंगा कि जो जो समस्याएं हैं इस गांव की वो सब खत्म हो जाए और ये गांव पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। देखिए चारों तरफ का व्यू, ग्राम नेथला, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।